तो 1200 लोगों को निकाल करके फिर 1200 को आप बहाल कर रहे हैं, तो ये कौन सा रोजगार नीति? मतलब वो चाह रहे कि पार्ट बाई पार्ट सब बटोरे ताकि ये लोग यूनाइट ना हो पाए। सरकार बात करती है रोजगार की, आप मुझे बताइए ये कैसा रोजगार है कि एक तरफ आप दूसरे से छीन के किसी और को दे रहे हैं। बिहार में इंजीनियरिंग का स्थिति किसी से छुपा नहीं है। जिस समय आप केजुअल पे बहाल हुए उस समय आप में बहुत टैलेंट था जी, और जब अब समय आया तो आपका टैलेंट खत्म हो गया। और अगर एबल नहीं थे तो फिर वो हमें रखे कैसे? हाई कोर्ट का आदेश भी है कि जब तक सीट पूरा फुल नहीं होता है तब तक हटाना नहीं है। जब आप मौका आया नौकरी देने की बात, तो नए नए लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और जो नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति धरना स्थल गर्दनीबाग में, और हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये टेक्निकल असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो कि अपनी मांगों को लेकर ये एक दिवसीय धरना पे आए हैं। एक दिवसीय धरना है, दो दिवसीय है, कल भी है। देखिए सर, जैसा आप देख भी पा रहे होइएगा, हम लोग गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट लेक्चरर है, जो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बिहार में है उस सारे जगह से है हम लोग, ठीक है। हम लोग को गेस्ट की तरह रिक्रूट किया गया था। माननीय नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय योजना था उसके थ्रू में एक योजना ये भी था कि हरेक राज्य हरेक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बनाया तो सही, उनके पास भवन नहीं था। एक भवन में उन्होंने 3-3 इंजीनियरिंग कॉलेज को एक साथ चलाया। तो आप सोच सकते जिनके पास भवन नहीं है तो टीचर की स्थिति क्या रहा होगा। उस टाइम में उस कॉलेज को हम लोगों ने संभाला, हालांकि मैं तो बाद में आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया गेस्ट के ही पीछे, अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया, आज उनको हटाया जा रहा है परमानेंट आने के बाद, जो कहीं से सही नहीं। जबकि AICTE के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने आया है, ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में आ गए। असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह पे हम लोग को रखा गया था, ठीक है, आपका परमानेंट आया, फिर भी AICTE का जो नॉर्म्स है पर कॉलेज के हिसाब से जितना होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर उतना तो रखना चाहिए ना, उतना नहीं है। इसके बाद भी गेस्ट को हटाया जा रहा है, जो सही नहीं। और देखिए उनका हटाने का तरीका देखिए, जैसे अगर एक टाइम में अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो एक साथ रिजल्ट निकाला जाता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिविल का पहले रिजल्ट निकाला, फाइनल ज्वाइनिंग भेजा है, अब जाकर रिजल्ट निकाला है किसका? मैकेनिकल का। फिर उनका भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा, मतलब वो चाह रहे कि पार्ट बाई पार्ट सब बटोरे ताकि ये लोग यूनाइट ना हो पाए, फिर जाकर वो लेक्चरर का स्टार्ट करेंगे, जो बिल्कुल सही नहीं है। बताइए अब हम लोग कहाँ जाए? बिहार में इंजीनियरिंग का स्थिति किसी से छुपा नहीं है। बिहार में इंजीनियरिंग की जो भी वैकेंसी आती है आपको पता ही होगा, जूनियर इंजीनियर के लिए बीटेक को अलाउ नहीं किया जाता, तो डिप्लोमा हम लोग किए नहीं है। उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी रिक्रूटमेंट भी खत्म हो चुकी है। अगर असिस्टेंट इंजीनियर का अभी जो नया जो रूल आया उसके असिस्टेंट इंजीनियर में भी अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 25 नंबर जो पहले से नौकरी कर रहे हैं संविदा में उन्हीं को वेटेज दिया जाएगा। तो सरकार बात करती है रोजगार की, आप मुझे बताइए ये कैसा रोजगार है कि एक तरफ आप दूसरे से छीन के किसी और को दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बात करें कि और रोजगार की। देखिए यहाँ पे आप ही मैं बताए, संविदा कर्मी पहले तो उनके पास में है, अब उनको 25 नंबर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो बताइए रिक्रूटमेंट किसका होगा? कोई आदमी 125 में नंबर लेके आएगा, कोई आदमी 100 नंबर में, तो बताइए ज्यादा नंबर तो उनका होगा। और रिक्रूटमेंट कैसे होती है? मार्क्स बेसिस पे, तो ज्यादा नंबर जिसका उसका सिलेक्शन होगा। जिस समय आप केजुअल पे बहाल हुए उस समय आप में बहुत टैलेंट था जी, और जब अब समय आया तो आपका टैलेंट खत्म हुआ। सर आप वही चीज सोच सकते हैं कि उस टाइम में कहीं ना कहीं हम एबल थे तभी हमें रखा गया ना, और अगर एबल नहीं थे तो फिर वो हमें रखे कैसे? और अगर उस टाइम में अगर एबल थे तो आज कैसे हम ये हो गए उनके तरह? और ऐसा नहीं है सर, हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्जाम डिफरेंट एग्जाम है सर, हम लोग का एमटेक क्वालिफिकेशन है, बीटेक क्वालिफिकेशन है, हम लोगों ने डिफरेंट गेट निकाला है, IIT जो टॉपेस्ट कॉलेज होता है वहाँ से बच्चे पढ़े हुए, NIT से पढ़े हुए, बताइए सर हम लोग के अंदर एबल नहीं है? और अगर एबल नहीं है तो सर उस टाइम में कैसे था? बाकी बात विशेष हमारे सहपाठी लोग और लोग भी बताएंगे, और लोग से पूछिए। देखिए सरकार पे कई सारी सवाल खड़ा हो रही है, जिस समय इनको केजुअल पे बहाल कर लिया गया, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर इनको बहाल किया गया, और जब आप मौका आया नौकरी देने की बात, तो नए नए लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और जो पहले से कर रहे हैं उनका वैल्यू खत्म हो गया, अब उनमें टैलेंट ही नहीं रहा। उस समय इनका टैलेंट था, उस समय सरकार को दिखा कि इसमें बहुत टैलेंट है, ये पढ़ा सकता है बच्चों को, लेकिन अब इनमें टैलेंट नहीं दिखता है। देखिए कई यहाँ पे युवा हम इनसे बात करेंगे और उनकी दर्द समझने की प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर? बहुत दर्द है, जैसा कहा आपने कि दर्द है। एक्चुअली जिस समय सरकार को हमारी जरूरत थी, सरकार 7 निश्चय लेकर के आए थे नीतीश कुमार, उस समय हमारी जरूरत थी, तो हम लोग एक बिल्डिंग में कई सारे कॉलेज चल रहे थे, हम लोगों ने पूरा निर्वहन किया अपनी जिम्मेदारी को। उस समय हमारा एज भी था कि किसी और नौकरी में जा सकते, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाने का अपना ऑक्यूपेशन चुना और पढ़ा भी रहे थे, इतने दिनों तक हम लोग चल ही रहे थे। नीतीश कुमार जी के बाद तेजस्वी जी आए ये योजना लेकर। कितने साल आप कर चुके हैं काम? मैंने 3 साल किया है, बाकी लोग कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 8-8 साल करके, मेरा 3 साल हो चुका है।
तो उन्होंने कहा कि 10 लाख वैकेंसी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। ये कौन सा नीति है कि यहाँ पे अभी हम लोग जो टोटल लोग हैं 12 से लगभग लोग हैं जो गेस्ट फैकल्टी हैं, वो या फिर इंजीनियरिंग में हो या फिर पॉलिटेक्निक में, तो 1200 लोगों को निकाल करके फिर 1200 को आप बहाल कर रहे हैं, तो ये कौन सा रोजगार नीति है ना? ये नीति तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आप अगर देखिए ये नीति इनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जिस समय जरूरत था उस समय तो बहाल कर लिया गया, अब 3 साल किन्हीं का बर्बाद हो गया, किन्हीं का 8 साल बर्बाद हो गया, माइंड सेट हो गया कि हमें अब टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, उसके बाद अब वो एंड टाइम पे बदल जाते हैं और नए लोगों को बहाल कर लेते हैं। तो ऐसे में इन लोगों का जो समय बर्बाद हुआ, जो इन लोगों का जो मेहनत परिश्रम जो इन्होंने किया है बिहार के लिए, वो कौन लौटाएगा? ये बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा होता है। जो बहाली निकाली गई बीपीएससी की वो सही है, बट वहाँ दोहरा नीति क्यों है? कॉन्ट्रेक्चुअल और टेक्यूब को एक्सपीरियंस दिया जा रहा है और गेस्ट को एक्सपीरियंस का मार्क्स क्यों नहीं दिया जा रहा है? पहले ही आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया, 25 नंबर से पीछे छोड़ दिया। और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल और टेक्यूब थे, जबकि वो भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इंटरव्यू दे के जो भी आपका प्रोसेस है वो से आया हूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे पहले तो आपने मुझे वहाँ वीकेंड कर दिया, फिर जब तक आपका काम था कॉलेज चलाना था तब तक मुझे रखा गया, कॉलेज का सारा सेटअप, लैब सेटअप सब कुछ हम लोगों ने किया, सारे स्टूडेंट का पास आउट हम लोगों ने कराया। उसके बाद अब जब रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, रिक्वायरमेंट अभी भी है, ऐसा नहीं कि सीट फुल हो चुकी है, हाई कोर्ट का आदेश भी है कि जब तक सीट पूरा फुल नहीं होता है तब तक हटाना नहीं है। अभी सीट फुल नहीं हुई है, फिर भी रिटर्न आदेश नहीं आया है, जो डीएसटी का सेक्रेटरी है उनसे रिटर्न आदेश नहीं आया है, मौखिक आदेश आया है कि हटा देना है। क्यों हटा देना है? हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर सबसे सर्वोपरि है, उसका वायलेशन क्यों किया जा रहा है? और अगर एक्सपीरियंस उन्हें दिया गया तो मुझे क्यों नहीं दिया गया? तो आपने वहां वीकेंड छोड़ा, अब कॉलेज को आपको जरूरत नहीं है तो आप मुझे हटा दोगे, तो अभी हम लोग करेंगे क्या? अभी कोई वैकेंसी नहीं है सामने, और वैकेंसी आ रही है उसमें ऑलरेडी आप वेटेज दे रहे हो उन लोगों को, हम लोगों को वेटेज दे नहीं रहे हो, तो हम लोग तो ऐसे ही पीछे हो गए, तो ये कहां तक सही है? सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये दोहरा नीति नहीं चलेगी। अभी तक सरकार के कोई प्रतिनिधि मिलने आया आप लोगों से? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, क्यों नहीं? लेकिन आएंगे, हम लोगों ने इनवाइट किया है, वो लोग आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोफेसर है इनका दर्द आपने सुना और किस तरीके से इनका समय और जो दुरुपयोग जो कर रहे हैं सरकार उन पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इनको तो यूज कर लिया गया और एक जैसे चाय में मक्खी गिर जाता है निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरीके से इन लोगों को अब छोड़ दिया गया। अब ये ना घर के रहे ना घाट के रहे, इस तरीके का इनका हाल हो गया है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल हम छोड़ के जाते हैं आपके साथ। और बाकी बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि सरकार को ये जताना जरूरी होता है जो सरकार जो युवाओं के साथ खेल खेल रही है, ये गंदी नीति के साथ जो खेल खेल रही है उनको समझना जरूरी होगा। बाकी बात, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।